टेलर कन्हैयालाल साहू की उदयपुर में हुई निर्मम हत्या को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इसके खिलाफ राजस्थान में कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनको न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। इस बीच कई लोग कन्हैयालाल के परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी कन्हैया के परिवार की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाने का दावा किया था, जिसके लिए उन्होंने 1 महीने का टारगेट रखा था, लेकिन क्राउड फंडिंग के जरिए मात्र 24 घंटे में ये रकम जमा हो गई है। कपिल मिश्रा उदयपुर जाकर कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात कर ये राशि सौंपेंगे। 12,000 के आसपास लोग अभी तक इस क्राउड फंडिंग में अपना योगदान दे चुके हैं। यह पहली बार नहीं है जब कपिल मिश्रा ने इस तरह क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए हों। उन्होंने दिल्ली दंगा पीड़ितों के लिए भी क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया था, जो बाद में पीड़ित परिवारों को दिया था। कपिल मिश्रा की इस मुहिम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को उदयपुर के धान मंडी इलाके में मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने कन्हैया लाल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग वहां से भाग गए, लेकिन ईश्वर सिंह कन्हैया लाल की मदद के लिए आगे आए और उन्हें बचाने के कारण वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद भी दोनों हमलावरों ने कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या कर दी थी और घटना का वीडियो ऑनलाइन शेयर कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह इस्लाम के अपमान का बदला ले रहे हैं। इस घटना के बाद से ही राजस्थान सरकार को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।